नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। हरदोई में भारतीय किसान यूनियन अवध संगठन के द्वारा बीते 8 अगस्त को उप जिलाधिकारी शाहबाद को ज्ञापन सौंपते हुए समस्याओं का निस्तारण करने की मांग की गई थी। किसान नेता राहुल मिश्रा के द्वारा दर्जनों किसानों के साथ मांग पत्र सौंपते हुए 13 तारीख तक समस्याओं का निस्तारण न होने पर धरना प्रदर्शन करने की बात की गई थी, लेकिन प्रशासन की अनदेखी का शिकार हो रहे किसान एक बार फिर प्रशासन की लापरवाही का शिकार हुए, जिससे नाराज और कुंठित किसानों ने सैकड़ों की संख्या में तहसील परिसर में पहुंचकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। किसानों का कहना है कि जब तक समस्याओं का निस्तारण नहीं होगा धरना प्रदर्शन अनिश्चितकाल चलता रहेगा। इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष टोडरपुर अमिताभ सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष अतुल दीक्षित, विकास गुप्ता, मोहम्मद रफी, कमलेश अर्कवंशी, अनुज सिंह, कमल किशोर दीक्षित, अखिलेश वाजपेयी, संजय तिवारी, विपिन शुक्ला सहित सैकड़ों की संख्या में किसान धरना स्थल पर मौजूद रहे। कुछ देर बाद मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी ने किसानों से वार्ता कर कल के निस्तारण कराने की बात कहकर धरना समाप्त करने को कहा है। आज संगठन के द्वारा शाहबाद तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन लगाया गया था। इसमें यह बात रखी गई थी कि हमारे द्वारा संगठन के द्वारा जो किसानों की समस्याएं हैं उनको निराकरण कराने के लिए एक ज्ञापन 8 तारीख को दिया गया था यहाँ उपजाधिकारी महोदय को, लेकिन उन समस्याओं का निराकरण न होने पर व्यवस्थावश किसानों को यहाँ आज धरना प्रदर्शन करना पड़ा था। समय के साथ यहाँ के उपजाधिकारी महोदय और यहाँ के कोतवाली प्रभारी महोदय किसानों के बीच में पहुँचे हैं और किसानों की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करने के लिए कल से कार्य शुरुआत करने की बात कही है। हालांकि किसानों के द्वारा यह बात रखी गई कि हम किस बेस पर आपकी बातों को माने, क्योंकि कई बार किसान ऐसी स्थितियों से गुजर चुके हैं, कई बार अधिकारियों की बातों में आकर के किसान भ्रमित हुए हैं, किसानों को ठगने का काम किया गया है, लेकिन इन तमाम बातों को अधिकारियों के बीच रखा गया और निर्णय यह हुआ है कि कल से हमारे ज्ञापन में जो समस्याएं हैं उनके निराकरण के लिए टीमें गठित हैं और काम भी जमीनी स्तर पर दिखाई देगा। इसलिए किसानों से बात करते हुए आज का यह धरना प्रदर्शन समाप्त किया गया है। अधिकारियों को आश्वासन दिया गया है कि अगर इसमें किसी प्रकार की लापरवाही हुई तो पुनः किसी परिसर में या अन्य किसी परिसर पर हम लोग इन्हीं मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे। जय जवान। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।